भारतीय जनता पार्टी गुंडरदेही के पूर्व मंडल महामंत्री एवं नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष सेवक महिपाल ने पत्रकार वार्ता लेकर भाजपा के एक पदाधिकारी पर भाजपा के मंडल कार्यालय को एक दुकान से संचालित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव में उनका कोई लेना देना नहीं है। वे तो नगर पंचायत के पार्षद भी नहीं है। उन्होंने पिता पुत्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिता पुत्र दुकान में बैठकर भाजपा के मंडल कार्यालय का संचालन कर रहे हैं। मैं 25 साल पुराना कार्यकर्ता हूं। मुझे बिना कारण से भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष दुष्यंत सनवानी और जिला अध्यक्ष केसी पवार के द्वारा हटाया गया है, जबकि मंडल अध्यक्ष गुंडरदेही और जिला अध्यक्ष केसी पवार के कहने पर पार्षद लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं और पार्षद लोग 13 पार्षद के हस्ताक्षर से अविश्वास प्रस्ताव आया है। इसमें मेरा क्या दोष है, मेरा क्या गलती है? मुझे ज़बरदस्ती बलि का बकरा बनाया गया है सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को मंडल के महामंत्री बनाने के लिए। षड्यंत्र रच के हटाया गया है और उसी षड्यंत्र के तहत निजी दुकान में मंडल अध्यक्ष वहाँ मंडल का कार्यालय बना के बैठा हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय रहते हुए भी वहाँ कार्यालय खुला नहीं रहता और ताला लगा रहता है, जिससे पार्टी का ग्रामीण के कार्यकर्ता आते हैं तो घूम फिर वापस चले जाते हैं, इससे पार्टी को भारी नुकसान होने की संभावना है।